हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मित्र सेन यादव और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मित्र पर। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया, जो कि ठीक उत्तर से 150 अधिक था। कह रहा है 150 अंक अधिक था, दी हुई संख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। मान लेंगे कि माना संख्या यक्स, ठीक। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया और उसने गलती से 3/4 ज्ञात कर लिया, ठीक। उससे कहा गया कि संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए उस विद्यार्थी ने संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। गलती से कहा गया 3/14, कर दिया 3/4। ऐसा करने से क्या हुआ, 150 अंक अधिक आ गया, ठीक। यानी यक्ष का जब वो 3/4 कर दिया, उस संख्या का 3/14 करने को कहा गया विद्यार्थी को, लेकिन उसने गलती से उस संख्या का 3/4 कर दिया, जो कि पहले उत्तर से क्या था, 150 अंक ज़्यादा आ गया, ज़्यादा था, अधिक है कह रहा आपसे। तो ये जो है, ये 150 अंक क्या है, ज़्यादा है, अधिक है। या तो हम इसमें से 150 अंक कम कर दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। अथवा हम क्या करें कि यक्ष के 3/14 में 150 अंक क्या कर दें, जोड़ दें, तो भी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इसका ये मतलब हुआ कि दोनों का अंतर ही कितना है, 150 है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक। कहने का अर्थ ये हुआ कि विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, उसने गलती से उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ कि 150 अंक अधिक आ गया, ठीक। ये जो है 150 अंक क्या है, ज़्यादा है, अधिक है। अगर इन दोनों को हमें बराबर करना है तो इसमें से 150 अंक कम कर दें, या फिर इसमें से 150, इसमें 150 अंक क्या कर दें, बढ़ा दें, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3x/4। एक 3x का 3/14 बराबर के इधर ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा 3x/14 के, और ये बराबर हो जाएगा कितना, 150, 150 के, ठीक। आपको संख्या ज्ञात करनी है कि वह संख्या कितनी है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 14 3 42 हो जाएगा, 42x - 4 12x, और बराबर में कर लेंगे 150 × 4 × 14 के। 4 × 14 नीचे लिख लेंगे, ऐसे डायरेक्ट तिरछा कराकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक। नहीं तो एलसीएम लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से 30x आ गया, तो यक्स बराबर लिख लेंगे अगली लाइन में, 150 × 4 × 14, और बटे में आ गया कितना, 30 के, ठीक। 42 में से 12x घट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 × 5 = 15 आ गया, 5 × 4 = 20, 14 × 2 = 28, यानी 280 आ गया। संख्या कितनी आ गई, 280, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला इसका, ठीक। संख्या आ गई आपका 280। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, कह रहा है किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, तो आपसे पूछ रहा है उस संख्या का 5/3 कितना है, ठीक। किसी संख्या का 3/4, संख्या हमें नहीं मालूम है, मान लेंगे संख्या यक्स, संख्या मान लेंगे x, किसी संख्या का 3/4 आपसे कह रहा है उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है। 7 अधिक कौन है, 3/4। किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, यानी ये वाला 7 क्या है, ज़्यादा है, अधिक है। हम क्या करें, इसमें से यदि 7 कम कर दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, या फिर यहाँ 7 जोड़ दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब इन दोनों का अंतर ही क्या है, 7 के बराबर है। आपसे कह रहा है कि उस संख्या का 5/3 ज्ञात करने के लिए पहले संख्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको, फिर उसका 5/3 कर लेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक।
किसी संख्या का तीन बटे जो चार है वो उस संख्या के एक बटे छः से सात अधिक है। सात ये ज़्यादा है, इसका मतलब यदि हमें दोनों को बराबर करना होगा तो इसमें से सात कम कर दें, निकाल लें, या तो फिर क्या करें इसमें हम सात जोड़ दें। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा तीन एक्स बटे चार माइनस के एक्स बटे छः बराबर के आ जाएगा सात, गुणा कर देंगे डायरेक्ट, छात्र एक अट्ठारह एक्स और चार एक्स हो जाएगा ये, ठीक बराबर कर लेंगे। सात गुणे चार गुणे छः, छः चार का एलसीएम ले लेंगे तो भी निकाल लेंगे ठीक बारह से, या तो डायरेक्ट कर दें सात गुणे चार गुणे छः, छत्र एक अट्ठारह और चार एक्स, अट्ठारह एक्स में से चार एक्स घट गया यानी चौदह एक्स आ गया सीधा, सात दूनी हो गया चौदह और दो से काट लेंगे ये, दो दूनी चार, दो तीन छः, किसी को भी काट दीजिए, एक्स का मान कितना आ गया बारह, ठीक संख्या आ गई आपकी बारह। इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे ठीक, एक्स का मान आ गया बारह, आपसे पूछ रहा है संख्या का पाँच बटा तीन कितना होगा, तो एक्स का पाँच बटे तीन कर दीजिए, बारह आया हुआ है, बारह का पाँच बटे तीन यानी तीन चौ बारह और ये हो जाएगा चार पंचे बीस, आपका आंसर आ जाएगा बीस। नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर, ठीक किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर कह रहा है वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है। आपसे संख्या पूछ रहा है, मान लेंगे संख्या x किसी संख्या के 50% में कह रहा है ठीक, किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर आपसे कह रहा है कि वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है। यहाँ लिख लेंगे संख्या x ठीक, मान लेंगे कि मानना यह संख्या जो है x। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर वह उसी संख्या के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है वह संख्या कितनी है, ठीक प्रश्नानुसार कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए इसी को। किसी संख्या का 50% का मतलब आधा, यक्स बटे दो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं या इसको काट लीजिए, यक्स का 50/100 हो जाएगा ये, एक बटे दो हो गया और ये प्लस में है 50 बराबर में है यक्स, ठीक ऐसे लिख देते हैं, यक्स बटे दो हो गया प्लस में 50 बराबर में यक्स, गुणा हो जाएगा तो यक्स प्लस 100 हो गया बराबर के 2x हो जाएगा ठीक, ये यहाँ पर गुणा हो जाएगा यक्स प्लस, देखिए बटे में 2 होगा तो फिर 2 से x में गुणा होगा, डायरेक्ट करा दिए, इस x को इधर ले लेंगे तो ये 2x में से 1x घट जाएगा, ये हो जाएगा 100 यानी वो संख्या आ गई 100, यक्स का मान आ गया 100 ठीक। तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा ठीक। चार नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या का तीन गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, किसी संख्या का तीन गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो आपसे पूछ रहा है वह संख्या कितनी है, आप मान लीजिए वह संख्या एक्स है, मान लेंगे कि वह संख्या एक्स है। किसी संख्या का आपसे कह रहा है किसी संख्या का तीन गुना, किसी संख्या का तीन गुना यानी तीन गुना का मतलब तीन से गुणा कर दीजिए, किसी संख्या का तीन गुना यानी यक्ष का तीन गुना, किसी संख्या का तीन गुना उस संख्या के 3/5 से, उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, संख्या में लिख लेंगे यक्ष ठीक। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का तीन गुना उस संख्या के 3/5 से, किसी संख्या का तीन गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, 60 अधिक कौन है, संख्या का तीन गुना ये 60 क्या है, ज़्यादा, हमें अगर बराबर करना होगा इसको तो क्या करना होगा, इसमें से 60 कम कर दें, किसी संख्या का तीन गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है यानी ये 60 ज़्यादा है, इसमें से हम 60 कम कर दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और नहीं तो फिर इसमें क्या कर दें हम 60 जोड़ दें तो भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ये 60 क्या है ज़्यादा है यानी इसमें से हम 60 कम कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये हो गया 3x बराबर के इधर ले लेंगे तो -3x/5 बराबर में आ जाएगा सीधा 60 के, 5 × 3 = 15x हो जाएगा, 15x में से 3x निकलेगा तो 12x/60/5 आ जाएगा क्योंकि बटे में 5 आएगा इधर भेज दिए ठीक, 12 पंचे हो गया 60
12 पंचे 60 हो गया, यक्ष का मान आ गया 25 के, यानी वो संख्या आ गई 25। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, पांच नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके वर्गों के योगफल के 80% के बराबर है। ठीक, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके वर्गों की योगफल के 80% के बराबर है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात पूछ रहा है। ठीक, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात पूछ रहा है। मान लेंगे बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। ठीक, आपसे क्वेश्चन का जो आंसर पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि x बटे y का मान क्या होगा, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। हम बड़ी संख्या x मान लिए, छोटी संख्या y। ठीक, अब कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है उनके वर्गों के योगफल के 80% के बराबर है। दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है, ठीक, संख्या x y मान लिए हैं, तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्या x का वर्ग माइनस संख्या y का वर्ग, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक, उन संख्याओं के वर्गों के योगफल के 80% के क्या है, बराबर है। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्नानुसार हो गया। ठीक, इसको आप मान लेंगे छोटी संख्या बड़ी संख्या। ठीक, और आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या का छोटी संख्या में अनुपात। क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के 80% के क्या है, बराबर है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है उन्हीं दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के 80% के क्या है, बराबर है। हम बराबर लिख लिए, प्रश्नानुसार सॉल्व कर लीजिए, x बटे y का मान निकाल लीजिए। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 80% का मतलब हो गया 80/100, 80% का मतलब 80/100 यानी 4/5, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4/5 हो गया। अब ये 5/5 में है, हर में है, इधर आकर गुणा कराएगा, चार अंश में है इसके साथ में गुणा कराएगा, तो ये हो जाएगा 4x² + 4y² 5 से इधर ले लेंगे तो ये 5x² - 5y² हो जाएगा। x को x की तरफ कर लीजिए, y को उधर भेज दीजिए, तो ये 5x² में से 4x² घट जाएगा, यानी x² बचा। 5y² इधर लेंगे तो 5 और ये 4 9y² हो जाएगा। y² को इधर लेंगे यानी x² / y² आ गया, ये बराबर के 9/1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से x/y कर लें तो ये 9/1 पर अंडर रूट लग जाएगा, करड़ी लग जाएगा, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक, ये बराबर के आ जाएगा 3/1, x/y का मान आ गया 3/1। आपसे ही पूछ रहा था कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, तो बड़ी संख्या आप x माने हैं और छोटी संख्या आप माने हैं y। ठीक, x का मान आया 3, y का मान आया 1, यानी बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात 3:1 हो गया, 3/1। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, एक छोटी सी जानकारी आपको दे दें कि रेलवे में LPO टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो बहुत ही जल्द लगने वाली है, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई की स्पीड को और बढ़ा दीजिए और काफ़ी अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, जिससे आप लोग का भी सिलेक्शन हो सके। वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको बताए गए काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।